मिंता रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ इडली, सूजी की इडली। ये बहुत सॉफ्टी, बहुत स्पंजी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत आसान तरीका है सूजी की इडली बनाने का। मैंने सूजी ली है, दही और कुछ सब्जियां भी ली हैं। हम कुछ सब्जियां भी डालेंगे। अगर आपके बच्चे ही मेरे बच्चे जैसे हैं कि सब्जी नहीं खाते, तो आप ऐसे डालकर बनाओगे तो सब्जी खा लेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों को इडली बहुत पसंद है, इडली और डोसा। इसलिए मैं सब्जी डाल करके बना रही हूँ, जिससे वो इडली के साथ सब्जी भी खा ले। हम सूजी और इडली का बैटर बना करके रख देंगे 1 घंटा के लिए और नमक डाल देंगे। उसके बाद हम एक बारीक काट करके टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी और धनिया पत्ती, नमक, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच डाल दिया है और अच्छे से मिला देंगे। और 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिया है। अगर आपके पास इनो है तो इनो डाल दें, वो और अच्छा होता है। अब हम तड़का लगा देंगे इसमें। तड़का में हमने ली है सरसों, कड़ी पत्ती और हींग डाल करके तड़का लगा देंगे अपने बैटर में। हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। हम इडली का स्टैंड लेंगे और उसमें अच्छे से तेल लगा देंगे। सभी खाना में अच्छे से तेल लगा करके मल देंगे और 1-1 चम्मच बैटर भर देंगे। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे दाल सब्जी खाएं, पर वो नहीं खाते हैं, इसलिए हमें कोई ना कोई बहाना करके उन्हें खिलाना पड़ता है। अब हम इसे 1 गिलास पानी डाल देंगे स्टैंड में और इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे गैस में, या फिर आप अलार्म भी लगा सकते हैं। 15 मिनट के बाद हमारी इडली बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी इडली बन गई है। अब हम 1-2 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर निकाल लेंगे। और सॉस के संग खाइए, या आप चटनी सांभर या आप ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी सब्जी डली है। अगर आपके पास गाजर है तो वो भी डाल दें। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।